आम आदमी पार्टी ने मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब भाजपा सांसद ही सुरक्षित नहीं है तो आम लोगों का हाल क्या होगा, इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। भाजपा सांसद केपी सिंह की गाड़ी को कुछ शिक्षकों द्वारा रोके जाने का मामला सामने आने के बाद आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता रमाकांत पटेल ने कहा है, भाजपा के जब सांसद ही प्रदेश में सुरक्षित नहीं है तो प्रदेश की कानून व्यवस्था का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। हर रोज महिलाएं बेटियों के साथ प्रदेश में छेड़छाड़ हो रही है, हत्याएं हो रही हैं, सरकार लोगों को सुरक्षित माहौल नहीं दे पा रही है, ऐसी सरकार को अब जनता खुद बर्खास्त कर देगी। मैं भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहता हूं, जो माताओं बहनों को सुरक्षा ना दे सके, जो अपने प्रदेश की जनता को सुरक्षा ना दे सके, उसको इस बार जनता बर्खास्त करने के लिए तैयार है। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि इनके खुद के सांसद, भारतीय जनता पार्टी के सांसद केपी यादव ये शिकायत लिखित में कर चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार उनको सुरक्षा उपलब्ध नहीं करा पा रही है, गुंडे रास्ते में उनकी गाड़ी रोक लेते हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मध्य प्रदेश की जनता का क्या हाल हो रहा होगा। आए दिन घटनाएं घट रही हैं, माताओं बहनों से छेड़छाड़ हो रही है, किसी की हत्या हो जाती है, किसी को पीटा जाता है। ये मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था है, इस बार जनता इसको बर्खास्त करने वाली है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।